कैसे हो मेरे चैलेंजर्स? अब जब आप अपने सोने के टाइम और रात के खाने का टाइम सब कुछ राइट करने लगे हो, हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर रहे हो, तो अब टाइम है नेक्स्ट स्टेप लेने का। क्या है आपका डे 9 चैलेंज? आपका डे 9 का चैलेंज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इट इज समथिंग दैट गिव्स योर बॉडी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इनफ टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। इसमें आपको 14 या 16 या 18 आवर्स का फास्ट करना है और बाकी समय में आप खा सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग से लोगों को बहुत ज़्यादा वेट लॉस और फैट लॉस में हेल्प हुआ है। यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा पीपल जो है, ये बहुत सारे लोग इस तरफ टर्न आउट हो रहे हैं। ये कोई डाइट नहीं है, बट इट इज ईटिंग स्टाइल जो ये नहीं बदलता कि आप क्या खाते हो, बट ये डिसाइड करता है कि आप कैसे खाते हो। जब आप फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में चली जाती है, जहाँ ये फैट बर्निंग करती है क्योंकि इंसुलिन लेवल्स लो हुए होते हैं। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहते, इस चैलेंज को एज इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं लेना चाहते फॉर एनी रीजन, तो आप वीक में एक दिन का फास्ट कर लो। मतलब द चैलेंज ऑफ योर डे 9 इज फास्टिंग। इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और वेट लॉस तो है ही है, वेट लॉस तो होना ही है। और यही नहीं, आपका ब्रेन जो है वो भी बेटर वर्क करेगा और आप कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हो। तो जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो व्हाई नॉट? तो आपका डे 9 चैलेंज है फास्टिंग, सो गो अहेड, स्टे फिट, हेल्दी एंड हैप्पी।